हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बाइनरी ऑपरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि भाई दो दो अगर नंबर्स हैं तो उनके बीच हम कोई अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन की जो हमें यहाँ जिस जो हम रेफरेंस से बात करेंगे वो सेट रेफरेंस से बात करेंगे। तो जैसे कोई आपने एक सेट लिया, उसमें से हमने दो एलिमेंट लिए, तो रिजल्टेंट ऑफ द टू आर इन द सेम सेट, रिजल्टेंट भी टू है। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट आर कॉल ऑन कैल्क ऑन आर सेट आर कैलकुलेशन दैट कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट विच आर कॉल्ड ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। फॉर एग्जाम्पल, किसी सेट में सपोज वन है, टू है और फोर है, तो मैं वन और टू में क्या ऐसा ऑपरेशन करूँ कि मुझे फोर मिल जाए? तो वन और टू में अगर मैं कोई ऑपरेशन करना चाहूँ और मुझे फोर चाहिए, सो मैं क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ? तो मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना हो, तो ऐसा तो कोई ऑपरेशन है नहीं। तो हम दूसरा केस ट्राई कर सकते हैं, जैसे अब मैं अगर वन ऑफ फोर ट्राई करूं तो वो भी मेरे पास नहीं है, फोर और टू भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे और कोई थोड़े एलिमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं वन टू थ्री फोर कर लेता हूं, तो अगर मैं वन और टू को अगर ऐड करूंगा तो मुझे थ्री मिलेगा। तो उनका तो वन और टू का जो बाइनरी ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट भी हमारे सेट में ही प्रेजेंट है, तो इट इज़ कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन की अच्छा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक और एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, वो ये है कि अगर हम एन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑन एन नॉन एम्प्टी सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन ए इंटू बी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, ये पढ़नी होती है हमें। ओके, इसके बाद एडिशन ऑन द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो जितने भी आप एडिशन इरेशनल नंबर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में नहीं आते। मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं इरेशनल का, वो भी बाइनरी ऑपरेशन में नहीं आता। सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन का, वो नेचुरल नंबर का अगर आप कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे आप दो नेचुरल नंबर को एक दूसरे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके अलावा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव आप ले सकते हैं बिकॉज ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इन द केस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी इज देयर। डिस्ट्रीब्यूटिवनेस, जैसे आप बी इंटू सी, जैसे ए इंटू बी ऑफ बी एंड सी एंड ए इंटू बी ऑफ बी ए ए एंड बी इंटू सी, तो दीज आर इक्वल, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज देयर, एसोसिएटिविटी इज देयर, कम्यूटेटिविटी इज देयर। ओके, इसके बाद आप इनवर्स देख सकते हैं कि इफ अ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, जैसे आप मल्टीप्लाई का साइन लें ऑन अ सेट ए विच सेटिस्फाई ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू एक्वल टू ए, तो इस फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए इनवर्स इज इन्वर्टेबल इफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। ओके, अच्छा बाइनरी केस ऑपरेशन के इस केस में हमें जो एक और चीज़ है वो ये है कि एडिशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ईच ऑफ द नॉर्मल सेट्स ऑफ, कि अगर एडिशन तो है ही एक बाइनरी ऑपरेशन, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, रियल नंबर्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बस इरेशनल पे नहीं। तो इरेशनल इज द ओनली केस जहाँ पे एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। थैंक यू।